नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द फ्रिंगो पर। दोस्तों, लड़कियों का बॉडी बिल्डिंग से नाता उतना ही पुराना है जितना लड़कों का, और वो हमेशा से ही इस स्पोर्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती आई हैं। सुपर सेक्सी बॉडीज पानी हो या फिर बॉडी बिल्डिंग के नए और महान रिकॉर्ड्स बनाने हो, आजकल की लड़कियां किसी भी आदमी से पीछे नहीं है, और इसीलिए आज हम आपको कुछ बेहद ब्यूटीफुल, सेक्सी और स्ट्रॉन्ग फीमेल बॉडी बिल्डर से मिलवाने वाले हैं, जिन्हें देखकर आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आइए साथ मिलकर देखते हैं इस पावर पैक वीडियो को। मिलिए जूलिया विन से, जो रशिया की रहने वाली एक 24 साल की पावर लिफ्टर हैं। मसल बारबी के नाम से जाने जाने वाली जूलिया 235 किलो के वजन से स्क्वाट, 140 किलो के वेट से बेंच प्रेस और 190 किलो के वजन से डेड लिफ्ट कर चुकी हैं, जो ट्रूली अमेजिंग है। अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर जूलिया 15 साल की उम्र में पहली बार जिम गई थी, और वहां जाकर उनको इतना अच्छा लगा कि वेट लिफ्टिंग उनका पैशन बन गया। 2016 तक जूलिया रशिया में एक फिटनेस सेंसेशन बन चुकी थी, और आज तो दुनिया भर के टीनेजर्स और फिटनेस फ्रीक्स के लिए जूलिया एक आइकन बन चुकी हैं। जूलिया के नाम 3 पावर लिफ्टिंग रिकॉर्ड्स कायम हैं, और आज इन्हें इंस्टाग्राम पर 11 लाख से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। 32 साल की श्वेता राठौर एक इंटरनेशनल फिजिक एथलीट हैं, और ये इंडिया की पहली फीमेल थीं जिसने WBPF वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता था। इसके अलावा श्वेता ने 49th एशियन चैंपियनशिप भी जीती हुई है, पर श्वेता के रिकॉर्ड्स यहाँ खत्म नहीं होते। वो 2014 मिस वर्ल्ड फिटनेस फिजिक, मिस एशिया 2015 फिटनेस फिजिक, मिस इंडिया स्पोर्ट्स फिजिक 2015, 16 और 17 रह चुकी हैं। इंडिया को मल्टीपल ओकेजन्स और इवेंट्स में रिप्रेजेंट करने वाली श्वेता ट्रूली एक अमेजिंग एथलीट हैं। वो फिटनेस फॉरएवर लिमिटेड नाम की एक कंपनी भी रन करती हैं, और 2018 में दुबई गवर्नमेंट ने उन्हें इंटरनेशनल फिटनेस डीवा का टाइटल भी दिया था। इतना सक्सेस मिलने के बाद भी श्वेता काफी डाउन टू अर्थ हैं, और गॉड्स ब्यूटीफुल चाइल्ड नाम का एक NGO भी चलाती हैं। ये हैं डेबी लेश्वस की, जो अमेरिका की एक प्रोफेशनल फीमेल बॉडी बिल्डर हैं। ये IFBB की प्रो वुमेन्स बॉडी बिल्डिंग रैंकिंग्स में 3rd नंबर पर आती हैं। 20 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग शुरू करने वाली डेबी ने 24 साल की एज में ही अपना पहला बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जीत लिया था। 2006 में NPC नेशनल जीतने के बाद मानो डेबी का सिक्का अमेरिका की फीमेल बॉडी बिल्डिंग में चमक गया, और उसके बाद से ये हर कंपटीशन में फर्स्ट 4 में आने में काबिल रहीं। इनकी फिजिक भी काफी मस्कुलर है, और 47 साल की उम्र होने के बावजूद भी ये अपना पैशन बॉडी बिल्डिंग में जगा के रखती हैं। आज की डेट में डेबी पर्सनल ट्रेनिंग भी देती हैं, और ये कई बार मिस ओलंपिया रनर अप भी रह चुकी हैं। ये है सुपर सेक्सी और बेहद खूबसूरत फीमेल बॉडी बिल्डर एरिका कॉडी, जो अमेरिका की रहने वाली हैं। 34 साल की ये लीडिंग फिटनेस मॉडल बॉडी बिल्डिंग में बाय मिस्टेक आई, जब 17 साल की उम्र में उनके राइट नी में एक ऐसी चोट लगी जिसको ठीक करने के लिए उनके नी में स्क्रूज तक डाले गए थे, और तभी से एरिका ने बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत करी, जिससे वो अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकें और अपना एंड्योरेंस इंक्रीज कर सकें। आज की डेट में एरिका एक फिटनेस मॉडल, मीडिया पर्सनालिटी, कैलेंडर गर्ल और एक बॉडी बिल्डर हैं। 2003 में एरिका ने अपना पहला कॉम्पिटिशन जीता था, पर उन्हें बॉडी बिल्डिंग के लिए करी जाने वाली डाइटिंग पसंद नहीं आई, इसलिए उसके बाद उन्होंने कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना छोड़ दिया। ये है अमांडा लेटोना, जो अमेरिका की ही रहने वाली एक फिटनेस मॉडल हैं। 97 में अमांडा एक सिंगर थीं और ब्रिटनी स्पेयर्स के साथ एक बैंड में परफॉर्म करती थी, बट जल्द ही वह बैंड स्प्लिट अप हो गया, और फिर अमांडा ने जिम का रास्ता चूज करा, और फिर 2003 में ही उन्होंने अपना पहला बिकनी कॉम्पिटिशन जीत लिया, जो मिस बिकनी फ्लोरिडा का था। इसके बाद तो अमांडा ने जीत की लड़ी ही लगा दी। वो कई बार मसल मेनिया चैंपियनशिप्स जीतीं, NPC कॉम्पिटिशंस जीतीं, IFBB प्रो कार्ड हासिल करा, और 10 IFBB बिकनी प्रो कॉम्पिटिशंस भी जीतीं। इंटरनेट पर बूटी क्वीन के नाम से जाने जाने वाली अमांडा अब ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनिंग देती हैं, और इंस्टाग्राम पर तो वो बहुत फेमस भी बन चुकी हैं। तो दोस्तों, आज हम मिले कुछ बेहद स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल फीमेल बॉडी बिल्डर्स से,
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और आप आगे भी हमारे चैनल पर ऐसी ही कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आज ही हमारे चैनल द फ्रिंगो को सब्सक्राइब करके साथ में बनी बेल बटन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।